The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So क्या आप थायराइड की दवा लेते हैं या आपका कोई जान पहचान वाला थायराइड की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये थायराइड हाइपोथायराइड और इसकी दवा भी बहुत कॉमनली खाई जाती है दुनिया भर में और नाम चाहे 100 हो लेकिन एक ही दवा है जो हाइपोथायरॉयडिज्म में दी जाती है बेसिक थायराइड हार्मोन है जो है लिवोथायरोक्सिन सो लिवोथायरोक्सिन इस्तेमाल होता है हाइपोथायरॉयड कंडीशन को जहां पर थायराइड ग्लैंड खुद थायरोक्सिन नहीं बना पा रहा है लिवोथायरोक्सिन उसको ट्रीट करने के लिए उसको मैनेज करने के लिए वो थायराइड ग्लैंड उतने हार्मोन नहीं बना पा रहा जितने आपके शरीर को चाहिए इसलिए लिवोथायरोक्सिन दी जाती ठीक है इसको अगर हम थायराइड कैंसर में भी इस्तेमाल करते हैं एक ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी के साथ रेडियो एक्टिव आयोडीन में थायराइड कैंसर के थेरेपी में यहां पर ये एक हार्मोन है लिवोथायरोक्सिन एक हार्मोन है तो आज हम जानेंगे इसके इफेक्ट साइड इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आपको क्या आ सकते हैं किस बातों का ध्यान रखना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो ये जो है लिवोथायरोक्सिन ये काम करता है आपके अंदर बने थायराइड हार्मोन को रिप्लेस कर उसी की जैसे काम करता है जैसी जितनी उसकी जैसे वो काम करता है वैसे वो काम करता है थायराइड हार्मोन जैसे बिना थायराइड हार्मोन के आपकी बॉडी स्लो हो जाएगी आपके बॉडी का एक्सेलरेटर है आपका थायराइड हार्मोन बिना उसके आपकी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती सब कुछ पुअर ग्रोथ स्लो स्पीच लैक ऑफ एनर्जी टायर्डनेस कॉन्स्टिपेशन वेट गेन सही से होगा वेट गेन हेयर लॉस ड्राईनेस स्किन ड्राई सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी कोल्ड को जॉइंट पेन मसल पेन इरेगुलर मेंसेस डिप्रेशन बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हाइपोथायरॉयड में और जब प्रॉपरली आप ये दवा लेते हैं लिवोथायरोक्सिन तो ये सब चीजें ठीक हो जाती तो एवरीथिंग बिकम स्लो इन द बॉडी एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म एंड एवरीथिंग विल बिकम फास्ट इफ यू गिव द प्रॉपर डोसेज ऑफ लिवोथायरोक्सिन सो कब देनी है और कैसे लेनी है राइट ये कैसे लेनी है थायरोक्सिन लिवोथायरोक्सिन टैबलेट के फॉर्म में आपको मुंह के थ्रू लेनी होती है और ये खाली पेट लेनी होती है और ये खाना खाने से आधे से एक घंटा पहले मतलब इसको खाने के एक घंटे तक कुछ नहीं खाना राइट कुछ नहीं खाना है सुबह सुबह पहली चीज इसको लेनी है खाली पेट राइट और पूरी की पूरी दवा को खाना है चबाना नहीं है क्रश नहीं करना है कुचलना नहीं है पूरी दवा को निगल लेना है राइट पूरे एक गिलास पानी से प्रॉपर पीना है ताकि वो अटके ना कहीं भी सारी का सारी अगर कोई बच्चा है जो स्वॉलो नहीं कर सकता है तो उसको बहुत छोटा बच्चा इन्फेंट है चाइल्ड है या कोई ऐसा एडल्ट है जो बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम पैरालिसिस या किसी कारणवश स्वॉलो नहीं कर सकता निगल नहीं सकता है तो उसको 1-2 चम्मच पानी में क्रश करके मिक्स करें राइट और इसको किसी और खाने पीने में मिक्स ना करें सिर्फ पानी में मिक्स करें और फिर दे दें इसको पानी के साथ डायरेक्टली दे इसको स्टोर नहीं करना मिक्स करें पिला दें ठीक यहां पर आपके थायरोक्सिन तब शुरू होती है जब आपका थायराइड हार्मोन कम बनता है TSH लेवल बढ़ता जाता है और कायदा ये कहता है इसको लोएस्ट डोज से शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए ती मिनिमम पॉसिबल डोसेज जिसपे आपका बैलेंस हो जाए हार्मोन लेवल उतना देना चाहिए ठीक है तो ये थायराइड हाइपोथायराइड थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है और इसको कई हफ्ते लगते हैं आपकी बॉडी में चेंजेस लाने में ऐसा नहीं होगा कल खाई आज से चमत्कार नो इट टेक्स टाइम सो आपको समय लगेगा कुछ हफ्तों का सो इसके अलावा यहां पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है
अगर आपको पहले कभी ये दवाई से किसी और थायराइड हार्मोन से एलर्जी हो चुकी है तो डॉक्टर को बताना है। अगर आप किसी भी प्रकार के कोई विटामिन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कोई हर्ब्स कुछ भी लेते हैं किसी भी बीमारी के लिए तो डॉक्टर को दिखाना है। खासकर अगर वो किसी भी हार्मोन रिलेटेड बीमारियों के लिए है, खासकर अगर वो कोई टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन या स्टीरॉयड बेस्ड हार्मोन्स हैं, कोई ब्लड थिनर हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताना है। अगर आप कैल्शियम लेते हैं तो याद रखिए कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स, कैल्शियम आयरन सप्लीमेंट्स को या तो 4 घंटे पहले या 4 घंटे बाद लें, क्योंकि वो थायराइड के हार्मोन को एब्जॉर्प्शन को प्रॉब्लम करेगा, तो एक साथ नहीं खाना है, 4 घंटे पहले 4 घंटे बाद। इसलिए सुबह सुबह ये लें तो कैल्शियम शाम को लें, याद रखें। और अगर आप कोलेस्टायरामीन ले रहे हैं या किसी भी प्रकार का बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट ले रहे हैं तो वो भी आपको 3-4 घंटे के बाद लेना है, थायराइड हार्मोन लेने के बाद। ये बात याद रखिए, अगर आपको किसी प्रकार की एड्रिनल इंसफिशिएंसी है तो यानी कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम है आप डॉक्टर को बताएं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोई डाइटरी इंस्ट्रक्शन है, देखिए कुछ प्रकार के खाने पीने के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सोयाबीन, वॉलनट, डाइटरी फाइबर, राइट, यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल एक साथ नहीं खाना है थायराइड ग्लैंड के, थायराइड हार्मोन के साथ। यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 घंटा गैप रख के खाएंगे तो कोई दिक्कत, 1 से 2 घंटा गैप रख लीजिए सोयाबीन वॉलनट फाइबर वाली चीज़ों में, उसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट। और अगर आप डोज भूल गए तो बेसिकली इफ़ यू मिस अ डोज, जो नहीं भूल गए तो पहले तो भूलना नहीं है, अगर भूल गए हो तो रेगुलर डोज कल से शुरू करो, एक साथ डबल डोज नहीं लेना, मिस वाला डोज कल ले लूँगा फिर से, डबल डोज नहीं करना, कल से रेगुलर डोज शुरू करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके साइड इफेक्ट्स, जी हाँ, थायराइड की ग्लैंड के जो हार्मोन है लिवोथायरोक्सिन के साइड इफेक्ट्स हैं और वो आपको आ सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, यहाँ भूख में चेंजेस आ सकते हैं, भूख लगना बढ़ सकता है, सेंसिटिविटी हो सकती है हीट की, आपको हीट जहाँ वहाँ कोल्ड सेंसिटिविटी या हीट हो सकती है, हेयर लॉस भी एक साइड इफेक्ट है, हाइपोथायराइड का भी हेयर लॉस होते हैं, कभी कभी इन दवाओं से भी हेयर लॉस होते हैं, कभी कभी लेग में क्रैम्प्स हो सकते हैं, कभी जॉइंट पेन हो सकते हैं लिवोथायरोक्सिन से। लेकिन ये हमें याद रखिए, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम है तो ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या ये सिम्टम्स किसी और चीज़ की वजह से भी तो नहीं है, सो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई सीरियस सिम्टम आ रहा है जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन, सांस फूलना या इचिंग हाइज या दाने आ रहे हैं, तो वो एक काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, मतलब आप थायरोक्सिन दवा लेवोथायरोक्सिन दवा से एलर्जिक हो, आप वो नहीं ले सकते, ठीक है। सो इसको स्टोर करने के लिए इसको कंटेनर जो आता है लाइट से बचाया जाता है, टाइटली क्लोज बंद करके रखना है, खुला नहीं रखना है, रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोर करना है, एक्सेसिव हीट और मॉइस्चर से बचाना है, बच्चों से दूर रखना है, बच्चे ना खाएं ज़रूरी है, अगर इसको ज़्यादा खा लिया तो हाइपर ड्राइव में चला जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, धड़कन बढ़ जाएगा, अनईजी हो जाओगे, प्यास बहुत ज़्यादा, नींद नहीं आएगी, एजिटेशन हो सकता है, हार्ट के प्रॉब्लम्स आ सकती है, पाल्पिटेशंस हो सकता है, ओवरडोज अगर कर लिया गलती से तो तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा आपको, चेस्ट पेन हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, नर्वसनेस, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, सांस फूलना, कन्फ्यूजन, कभी कभी बेहोश हो सकते हैं, दौरा पड़ सकता है, सीजर हो सकता है, तो ओवरडोज नहीं लेनी, ठीक है। याद रखिए साइड, ये एक एक्सेलरेटर है आपके आपकी गाड़ी का, एक्सेलरेटर ज़्यादा दबा दोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, सही से दबाओगे तो गाड़ी सही चलेगी। थायराइड हार्मोन इज जस्ट लाइक दैट, थायराइड हार्मोन आपके बॉडी में कम बनता है तो आपकी गाड़ी धीरे धीरे चलेगी, 20 की स्पीड में 30 की स्पीड में गाड़ी चलेगी तो इरिटेट तो हो ही जाओगे, थक जाओगे, प्रॉब्लम होगी, और एक्सेलरेटर दबाओगे तो प्रॉपर 40 50 60 70 80 तक जाओगे, ज़्यादा दबाओगे 120 140 ठुक जाएगी गाड़ी, यही काम थायराइड हार्मोन का है, याद रखिए। इम्पॉर्टेंट है आपको अपने डॉक्यूमेंटेशंस रखना कि हाँ आपने कब से कितने मिलीग्राम थायराइड हार्मोन की दवा शुरू करी। कई लोगों के सवाल होते हैं कि क्या ये दवा ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी, याद रखिए अगर आपका थायराइड हाइपोथायराइड की सिचुएशन आयोडीन डेफिशिएंसी के वजह से है या विटामिन डेफिशिएंसी से है, सिर्फ
बिकॉज ऑफ द इंग्रेडिएंट जो सब्सट्रेट है आयोडीन सेलेनियम आयरन सप्लीमेंट ऐसे सब्सट्रेट्स की डेफिशिएंसी की वजह से आपको हाइपोथायराइड हुआ है तो पॉसिबल है कि वो सारी चीज़ें पूरी कर देने से आयोडीन अच्छी मात्रा में लेते रहने से हो सकता है आपका हाइपोथायराइड या सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड ठीक हो जाए। लेकिन अगर आपका थायराइड ग्लैंड ऑटोइम्यून डिजीज के वजह से इन्फेक्शन के वजह से इन्फेक्ट किसी भी कारण के वजह से डैमेज हो रहा है तब या ऑपरेट हो चुका है तो फिर आपको जिंदगी भर थायराइड हार्मोन लेने पड़ेंगे। और जिंदगी भर में बीच में कभी भी ऐसा नहीं है कि एक बार पहले कभी साइड इफेक्ट्स नहीं हुए तो आगे चल के नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, बीच में कभी भी आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये सारे साइड इफेक्ट्स ओवरड्राइव से हो सकते हैं, तो इसीलिए थायराइड का भी बीच बीच में चेकअप कराना जरूरी। इवन इफ आपका सेट हो चुकी है दवा तो भी रेगुलर साल दो साल में एक बार TSH लेवल्स जरूर चेक कराएं। ये है जानकारी सारी आपको थायराइड हार्मोन की। प्रेगनेंसी के दौरान भी थायराइड हार्मोन्स दिए जाते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एक मिनिमम लेवल 2-3 के नीचे TSH लेवल्स मेंटेन करना होता है और अगर उतना नहीं है तो थायराइड हार्मोन दिए जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के बाद भी ध्यान रखें, अपने डॉक्टर से बात करें कि थायराइड हार्मोन चलेंगे नहीं चलेंगे, क्या है क्या नहीं है सिचुएशन, ज़रूर ध्यान रखें थायराइड के बारे में। थायराइड इज योर एक्सेलरेटर, सही से गाड़ी नहीं चलेगी तो प्रॉब्लम आएगी। थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टूड, समझ आया तो शेयर करो। और जानकारी चाहिए थायराइड के बारे में तो थायराइड बाय डॉक्टर एजुकेशन पूरी सीरीज है, उस पर मौजूद है डॉक्टर एजुकेशन चैनल यूट्यूब, जस्ट फाइंड इट, सर्च इट एंड यू विल गेट इट, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।